अपने हिसाब के अकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम BYC बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के चैंपियंस, आई होप के ऑल ऑफ यू आर फीलिंग वेल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबका शुक्रिया कि आपने ये CV राइटिंग की वर्कशॉप ज्वाइन की। इस वर्कशॉप करने का मकसद मेन यही है कि बलूचिस्तान के नौजवान कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे रेज्यूमीज आते हैं, CVs आते हैं लोगों के, चैंपियंस के या बाकी नौजवानों के, कि हमें जॉब करनी है लाहौर में, हमें जॉब करनी है कराची में। ये मेरी CV है, आप देख लें कहीं पे अगर जॉब आपके जहन में है नहीं है। तो ज्यादातर CVs ऑलमोस्ट 99% से ऊपर, आई वुडन्ट से 100%, एक दो निकल आती हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर CVs का स्टैंडर्ड होता है वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही अर्ली लेवल ऑफ CV होती हैं। उससे आपको इस कॉम्पिटिटिव दौर में कराची जैसे शहरों में आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अगर मैं जॉब एड लगा लेता हूँ अभी, कल तक मुझे हजारों की तादाद में CV रिसीव हो जाती हैं। इस तरह की कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे, इस CV राइटिंग वर्कशॉप का मकसद यही है। मैं को फाउंडर हूँ BYC का, अगर किसी ने मुझसे अब तक बात नहीं की, इट्स नाइस टू मीट यू। मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा CV वर्कशॉप अटेंड की है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था मलेशिया में, उसके बाद UK में, या इवन पाकिस्तान में, ज्यादा से ज्यादा जितने भी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं, ज्यादा से ज्यादा मैंने CV राइटिंग्स में अटेंड किए हैं। मतलब ये कभी नहीं सोचा कि बस अब बहुत हो गया, परफेक्शन आ गई है, क्योंकि CV राइटिंग एक प्रोसेस है, कंपटीशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाता है। जितना आप इवन आगे जा रहे होते हैं अपने करियर में, कॉम्पिटिशन बढ़ता है। तो कॉन्स्टेंटली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करें, सिर्फ BYC की तरफ से नहीं, बाकी जगहों से अगर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि CV है क्या। CV करिकुलम विटाए इसको बोलते हैं, इसको रेज्यूमे भी बहुत ज्यादा बहुत जगहों पे कहा जाता है। ये आपका एक प्रोफाइल है। जब एक एम्प्लॉयर किसी को हायर करता है, हायर करने से पहले वो पूछता है कि आप अपनी CV या रेज्यूमे मुझे सेंड करें, या उनके ऑनलाइन लिंक पे होता है कि यहाँ पे अपलोड करें। CV से शुरू में आइडिया हो जाता है कि इस लड़के ने या लड़की ने अब तक क्या किया है, क्या सीखा है, क्या ये फिट है हमारे उसमें, नहीं है। कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा इस कवर कवर कर सकूँ इस वर्कशॉप में। इतना बड़ा वर्कशॉप नहीं है, पहला वर्कशॉप है, इसमें मैं एडवांस CV राइटिंग पे नहीं जाऊंगा, वेरी बेसिक CV राइटिंग पे जाऊंगा कि शुरू ही किस तरह करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक आपसे शेयर करता हूँ वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है, ये काइंडली लिख दें अपने पास कि आपको CV माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनानी है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जरा आप चेक करें, देखें कि को नजर आ रही है नहीं, एक सेकेंड। एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा, टेक्नोलॉजी के कभी कभी मसाइल भी आ जाते हैं। ये भी नहीं। चौधरी आपका हैंड रेज है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर दीजिए, मैं जरा बेसिक कवर कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जी, तो ये एक सिंपल सी, इसको कहते हैं CV टेम्पलेट। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पेन और पेपर है, आप अपने पेन और पेपर पे लिखेंगे, आइडियली एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे बनाएं, अगर कंप्यूटर पे नहीं बना सकते तो अपने फोन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करें, उस पे जाएं, क्लिक करें, टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा। फिलहाल आप वो सिर्फ नोट डाउन करते जाएं, जब आपका टाइम आएगा कल परसों आराम से अपने CV बनाएगा, उस पे आएगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आप टाइप करें रेज्यूमे, RESUME, फिर उसमें बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि इसमें बन सकता है, इसमें बन सकता है, आप देखें किस में आपको बनाना है। जैसे ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसमें आपका इन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम है, सरनेम है, तस्वीर है, ये चीजें हैं। अब हम आते हैं CV पे, असेंशियल्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है आपका नाम। आप कोशिश करें अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखें, यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा।
डेट नहीं आएगी, क्योंकि हर हर टेम्पलेट का अलग अलग वो है, तो जरूरी नहीं आप टेम्पलेट के हिसाब से चले अपना लिखें, डेट कोशिश करें ना डालें। सेकंड आपका यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी तीन चीजें आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास आता है आपका फोन नंबर, आपका फोन नंबर, ठीक है, आपका ईमेल और आपकी सिटी, फॉर एग्जांपल क्वेटा, ठीक है, ईमेल आपका है sikandarbizenjoy@gmail.com, ठीक है, आपका फोन नंबर आ जाता है यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं या अपना एड्रेस लिख लेते हैं कि मैं फिलानी जगह से हूँ, लाइक क्वेटा नहीं, क्वेटा के अंदर D23 क्या कहते हैं, पूरा एड्रेस लिख लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने सिटी का नाम लिखे, उनको पता चलना चाहिए कि ये लड़का या लड़की ट्रेवल कर सकेगा हमारे जॉब के लिए या नहीं, ये आप उनको आइडिया। तस्वीर पाकिस्तान, अब हर रेज्यूमी, हर मुल्क अलग अलग रेज्यूमी स्ट्रक्चर फॉलो करता है, स्विट्जरलैंड में 3 से 4 पेजेस की रेज्यूमी होती है, पाकिस्तान में एक से दो पेज की रेज्यूमी प्रेफर करते हैं, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन एंग्रो में मैं काम करता हूँ, वहाँ हम 1 से 2 पेजेस की रेज्यूमी प्रेफर करते हैं, इससे ज्यादा की रेज्यूमी हम ज्यादा देखते भी नहीं है। तो तस्वीर एग्रो की, अगर पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं तो तस्वीर जरूरत नहीं है आपकी, आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह का कोई टेम्पलेट चूज करें जिसमें तस्वीर का ऑप्शन ना हो, तो आप हटा दें, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं डाला, जितने भी हमारे पास सीवी आती है उसमें भी जरूरत नहीं है। यूरोप में प्रेफर करते हैं, स्विट्जरलैंड में फॉर एग्जाम्पल, वहां पे प्रेफर करते हैं कि तस्वीर भी हो, आप अपने मैरिज स्टेटस भी लिखें कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं, हम इतना नहीं जाते पाकिस्तान में। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या समरी, यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या समरी। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे आई एम दिस वाई जी, आप लिखेंगे सिकंदर इज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, करेंटली he is pursuing his master's degree from Butums Quetta, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन फिलहाल वेट कर ले, थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी कवर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव एंड समरी। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा आपका, अच्छा फिलहाल ये अपने पास नोट डाउन करें, चीजें आप बाद में सीवी बनाएगा, उसके बाद आएगा आपका एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे सबसे जो लेटेस्ट आपकी एजुकेशन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत लोग गलत लिख लेते हैं, तो वो मैट्रिक और इंटर से स्टार्ट करते हैं, सबसे जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बैचलर्स इन बिजनेस, जैसे बीबीए है एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी क्वेटा, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहीं तक छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के नाम लिखना के इंटरमीडिएट फ्रॉम XYZ खुजदार, अब ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा आपको सीवी पे उबूर है तो यहाँ पे आप एक काम करें, ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये जो 3-4 डॉट्स हैं जहां पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें मेजर कोर्सेज इंक्लूड, तो यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दे दी, एडिशनल डिटेल्स, ठीक है, ये अपने एडिशनल डिटेल, यहाँ पे लिखा कि वॉलंटियरिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर, तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया कि मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने ये चीजें भी ऐड की हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं UET खुजदार में था और जब फ्लड्स आए बलूचिस्तान में तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक फ्लड ड्राइव भी करवाई, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लड ड्राइव, ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है, हम क्वेश्चन थोड़ी देर में लेते हैं। ये आ गया बैचलर्स, फिर आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, मेजर कोर्सेज यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, मेजर कोर्सेज इंक्लूड, यहाँ पे आप डिटेल्स लिख देंगे, ठीक है, ये आपका हो गया एजुकेशन। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, थर्ड सेक्शन, थर्ड मेजर सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस,
अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मसले आते हैं। अब मसले क्यों आते हैं? मसले इसलिए आते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, अभी तक मैंने ऑफिशियल काम ही नहीं किया तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा। काइंडली जरा म्यूट रखें अपने आपको। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने जॉब नहीं की तो मैं क्या लिखूं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक देता हूँ, इसको फॉलो करें। ट्रिक ये है कि जरूरी नहीं है प्रोफेशनल जॉब यहाँ पे लिखें। अभी तक अगर आपके पास प्रोफेशनल जॉब नहीं है तो आप वॉलंटियरिंग जॉब यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जाम्पल चैम्पियन एट बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी। अब यहाँ पे बताएं, एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को ना तोड़ें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। जैसे मैंने यहाँ पे गलती से स्ट्रक्चर तोड़ दिया ना। हाँ आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा एडिट कर देता हूँ, चैंपियन स्लैश वॉलंटियर। अगर किसी को क्लियर नहीं है चैंपियन क्या है तो आप यहाँ पे क्लियर कर दें, स्लैश वॉलंटियर बलोचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी। ठीक है, आप यहाँ पे आप डिटेल्स लिखें कि आई हैव बिन एसोसिएटेड। जरा म्यूट कर दें काइंडली, आई थिंक कोई कुछ लोग अनम्यूट हैं। मैं म्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, आई हैव बिन एसोसिएटेड विद, यहाँ पे आप ब्रैकेट में BYC भी लिखते हैं। ठीक है, आप बिन एसोसिएटेड BYC फॉर लास्ट 3 years। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिए इनिशिएटिव्स पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पे आप लिखते हैं फ्लड ड्राइव इन जहरी 2023, COVID-19 ड्राइव इन जोब 2021, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये लिखते हैं बड़े बड़े उसमें। ठीक है, ये आपका आगे वर्क एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको वर्क एक्सपीरियंस इसलिए बोला है जब आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आप नया हेडिंग डालेंगे उस पर लिखेंगे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। वॉलंटियर और वर्क का क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। वॉलंटियर का मतलब है कि आपको पे नहीं कर रहे। जैसे BYC एक फलाही तंजीम है, एक वॉलंटियर तंजीम है। हम अपने चैंपियंस को पे नहीं करते कि वो काम करें, लेकिन अगर मैं एंग्रो में काम कर रहा हूँ तो एंग्रो मुझे पे करती है मेरी सैलरी, तो वो काउंट होता है वर्क एक्सपीरियंस में। BYC काउंट होता है वॉलंटियर एक्सपीरियंस में। लेकिन यहाँ पे चुनाचे कि आपका वो नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम वो भी डाल देंगे, BYC एक्सपीरियंस इसी में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा एक और सेक्शन ऐड कर दें, वेरी सिंपल। ठीक है, वो सेक्शन है रेफरेंसेस। अब ये मैं आपको बताता हूँ रेफरेंसेस क्या है। अब रेफरेंसेस ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर जब आपको हायर कर रहे होते हैं कहते हैं मुझे 3 references के आप फोन नंबर दें जिनको मैं कांटेक्ट करूं और मुझे बताएं आप इनको कैसे जानते हैं। जैसे आप BYC में, मैं खुद बहुत से लोगों का रेफरेंस बन चुका हूं, तो यहां पे आप ये लाइन सिर्फ लिखते हैं रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। मतलब जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं आपको रेफरेंसेस नहीं दूंगी या दूंगा, जब आप पूछेंगे तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। तो ये आप ऐड कर लें। ये एक सिंपल सा बेसिक CV स्ट्रक्चर है। अगर इसको फॉलो करेंगे एटलीस्ट जो एम्प्लॉयर है वो आपकी CV पढ़ तो लेगा। अदरवाइज इतने कम डिटेल्स लोग मैंने देखे, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, अपना एड्रेस लिखा हुआ और CV बन गई। देखें प्राइवेट मार्केट खासकर कराची जैसे शहरों में, लाहौर जैसे शहरों में या बाहर मुल्कों में इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। एक जॉब पे 50-50, 100-100 लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप अप्लाई करें। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन बलूचिस्तान एंड आई एम ईगर टू लर्न एंड वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद पर्पज एंड वैल्यूज। ठीक है, इस तरह की जैसे आपने लैंग्वेज लिख दी, अब एम्प्लॉयर जैसे अगर मैं CV देख रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार ये लड़का या लड़की एक बलूचिस्तान के छोटे देहात से आया है और इसको सीखने की ख्वाहिश है, इसको वैल्यूज पसंद है, इसको पर्पज पसंद है। तो मैं इसकी CV जरा 2 मिनट देखता हूँ। मेन गेम है CV का कि एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपके CV पे लगाए, सिर्फ देख के। नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है 5 सेकंड में CV आप रफा दफा करते हैं। आप देखते हैं 1-2-3 बस, हाय 1-2-3 CV हट गई।
इस तरह आप क्विकली सीवी कर रहे थे। तो एक आखिरी बात मैं इसमें सीवी राइटिंग में ये कहूंगा, कोशिश करें आपकी सीवी 1 से 2 पेज से ज्यादा ना जाए। मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि आपकी सीवी 2 पेज हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा फिर उनको पता चल जाता है कि यार आप जबरदस्ती कुछ चीजें फिल कर रहे हैं, जो जगह आप इतना बड़ा बड़ा आप गैप दे रहे हैं सिर्फ पेज फिल करने के लिए। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास हजारों सीवी आती हैं, जैसे एंग्रो है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिलीवर है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कराची में है या लाहौर में या इस्लामाबाद में या क्वेटा में, तो इनके पास हजारों सीवीज आती हैं। इनको पता है कि कौन रियल है कौन फेक है। तो कोशिश करें जो आपका सच है वो आप लिखते हैं सामने सामने। जितना आपका छोटा सीवी बन रहा है इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स फाइन टू हैव अ स्मॉलर सीवी देन अ फेक सीवी, ये लाइन याद करना है। इट्स फाइन टू हैव अ स्मॉलर सीवी देन अ फेक वन। और यहाँ पे आप अपने चीजें लिख सकते हैं। अब देखिए ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट मैंने शुरू शुरू आपको कहा किस तरह निकालना है, वर्ड पे जाके टेम्पलेट पे जाके रेज्यूमे लिख के वहां पे। अब आप अपना देखें कि आपको कौन से टेम्पलेट्स पसंद हैं, कौन सा बेसिक है जिसपे आप काम कर सकते हैं। बस ये बेसिक सा सीवी है। अब किसी को अगर सीवी राइटिंग में और डीप जाना है, मैं आज कवर नहीं करूंगा इसमें, लेकिन किसी को अगर डीप जाना है वो गूगल करे ये चीज कार्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। जिसको अगर इम्प्रूव करना है सीवी, वो कह रहा है सिकंदर ने जो बेसिक हमें बताया वो एक बेसिक तो स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आ गया, मुझे अब इम्प्रूव करना है, आप गूगल करें कार्ड फ्रेमवर्क। कार्ड का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, रिजल्ट एंड लर्निंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, रिजल्ट एंड लर्निंग, ये आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरी चीजें लिखती है ना, ये इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा। ये मैं आज कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत एडवांस सीवी राइटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर जिसको इम्प्रूव करना है फर्दर, जिसको काम करना है, वो गूगल कर सकता है कार्ल फ्रेमवर्क। उसके हिसाब से हर जगह चीजें लिखते, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा कि पीवाईसी है क्या, फिर मैं लिखूंगा एक्शन कि मैंने क्या किया, रिजल्ट 200 पीपल सर्व्ड इन जॉब, ये रिजल्ट आ गया। व्हाट इज माय लर्निंग? आई लर्न टू बिकम अ बेटर टीम प्लेयर। आई लर्न कि मुझे बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरह कहाँ से राशन लेना, इस तरह की चीजें। तो ये अपने लर्निंग पीस में डाल दिया, ठीक है, ये हो गया कार्ल फ्रेमवर्क। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ होमवर्क, अगर किसी को करना है आगे घर जाके, तो ये आप अपना होमवर्क करें। सबसे पहले जो आपका काम आज होगा या कल होगा वो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं और अपनी एक बेसिक सी सीवी क्रिएट करें, ठीक है। एक बेसिक सी सीवी क्रिएट करें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिख दें कि आई हैव क्रिएटेड माई सीवी, और आप मुझे पर्सनली फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं एक नजर देख भी लूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक। उसके बाद आप शुरू करें अप्लाई करना, और अप्लाई करने में देखें दिल पे चीजें ना लें। अगर एक जॉब नहीं आती इट्स कंप्लीटली फाइन, कोशिश करें कि कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहें। कॉन्स्टेंटली मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एक चैट पे लिख दें अगर आ रही है, क्योंकि एक दौरान कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। यस यस ओके गुड। मैं चैट में लिख देता हूँ कि दुरान रीस्टार्ट कर लें, दुरान रीकनेक्ट प्लीज योर माइक, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक सीवी राइटिंग वर्कशॉप। अब अगर आप एक सीवी लिखते हैं, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, आप स्कूल लेवल पे हो, इंटर में हो, मैट्रिक में हो, आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है सीवी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सिकंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ना, यहाँ पे लिखते हैं जैसे, ठीक है, नया ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, खालिद इज एन इंजीनियर एंड करंटली फ्रॉम यूईटी क्वेटा। कोशिश करें यूईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्वेटा, यूईटी क्वेटा। ही इज एक्टिवली looking for part-time work that can continue along with his studies. जैसे यहाँ पे हमने एक बंदा बनाया खालिद, खालिद इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, खालिद इज studying इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी क्वेटा, ही इज एक्टिवली लुकिंग फॉर पार्ट टाइम वर्क दैट ही कैन कंटिन्यू अलॉन्ग विद स्टडीज, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बना दिया। Ideal work would be data and website development. अब ये आपका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आ गया। अब इस ऑब्जेक्टिव से क्या लगेगा,
अब जहां पे भी अप्लाई करेंगे सबसे पहले एम्प्लॉयर ये पढ़ेगा, उसके बाद आगे जाएगा। अगर यही समझ में नहीं आता तो सीवी हटा देगा साइड पे। अगर ये समझ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज इस तरह के हैं, एम्प्लॉयर्स जिनको बहुत ज्यादा पे नहीं करनी, जिनको एक फुल टाइम रिसोर्स नहीं चाहिए, वो कहते हैं हमें एक पार्ट टाइम लड़का या लड़की हमारे साथ काम करे जो बेसिक हमारी वेबसाइट बना दे, तो आपको यहाँ से प्रेफर करेंगे, यही देख के ही आपको वो कॉल कर लेंगे। सबसे पहला स्टेज है आप जॉब तलाश करें, सेकंड स्टेज आप उसके लिए अप्लाई करें, थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू के लिए मैं किसी और दिन आपके साथ वर्कशॉप रखूंगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरह बिहेव करना है, आई कॉन्टेक्ट क्या होगा, हाथ कैसे मिलाना है, बात क्या करनी है, जवाब किस तरह देना है, कंफर्टेबल किस तरह रहना है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, हर चीज में मतलब साइकोलॉजिकल एक प्ले होता है पूरा इंटरव्यू में, तो वो सारा आपको असेस करते हैं। उसके लिए हम किसी और दिन एक वर्कशॉप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मकसद था आई थिंक वो पूरा हो गया मेरा, जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए लिखे थे कि एक बेसिक सा सीवी टेम्पलेट आपको तैयार करके दूं कि कल अगर आप अप्लाई करें तो एटलीस्ट ये ना लगे कि आपने कुछ किया नहीं है, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसको समराइज करके लिख सकें अपनी सीवी में। आई थिंक ये एक छोटा सा हमने वर्कशॉप किया, इसमें लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड सी इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। या जिसका कोई क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, या तो आप चैट में लिख दें तो मैं यहाँ पे आंसर कर लेता हूँ। जी अक्रम, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें। मोहम्मद अक्रम, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब, मेरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने वॉलेंटियर का जो आपने बता दिया, अगर हम प्रोफेशनल एक दो इसमें मजीद ऐड करना चाहें तो उस सूरत में हम क्या लिख सकते हैं, ये जरा काइंडली बता दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन, अब मैं आपको दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अकरम का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने वॉलंटियर का बता दिया, अगर प्रोफेशनल का लिखना है। ठीक है, जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर एंग्रो कॉरपोरेशन। आइडियली आप यही दिमाग में रखें, सबसे पहला आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस आएगा। तो पहले आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कब से कब तक है, 2000 December 2020 till present, या तो आप यहाँ पे लिख देंगे जब आपने वो जॉब खत्म की तो वो लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको क्विकली अपनी सीवी दिखाता हूँ, अगर आप तब तक तो बाकी क्वेश्चंस आप लिखते जाएं चैट में या पूछते जाएं, मैं तब तक आपको अपनी सीवी दिखा देता हूँ, जैसे मेरी लेटेस्ट सीवी क्या है। हमारे पास टाइम भी कम रह गया है जूम में, आप तब तक क्वेश्चन पूछे, मैं सीवी निकाल रहा हूँ अपनी। मेरी सीवी है ये, ठीक है, आप देखिए मेरी सीवी 3 पेजेस की है। मैंने मेरे पास क्या है, मेरे पास 7 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 2016 से लगा हुआ हूँ काम में ऑफिशियल, ये मेरी सीवी है। अब करियर समरी मैंने लिख दी है यहाँ पे बेसिक की, मैंने क्या क्या काम किया है, अकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख दिए हैं, लैंग्वेजेस लिख दिए हैं, यहाँ पे मैंने स्किल्स लिखे हैं, और प्रोफाइल आपने जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई थी ना, ये प्रोफाइल है मेरी। ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल लिख दिया। अब इसका क्या मकसद है कि इस पेज में अगर एम्प्लॉयर सिर्फ इसी पेज को देखेगा और उसको आइडिया हो जाएगा कि यार इससे बात करनी है या नहीं करनी, मैं उसका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता एम्प्लॉयर का, इसलिए मैंने करियर समरी अपने लिख दिया। लेकिन ये सीवी मिड करियर या सीनियर लेवल के करियर के हिसाब से है, आपके करियर के हिसाब से नहीं है। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया आप उसी फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे, इससे नहीं करेंगे। मेरी सीवी थोड़ी 3 पेजेस की हो गई है, लेकिन यह है कि आइडियली आप कोशिश करें कि आपकी सीवी 1 से 2 पेजेस हो। अकरम, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आएगा, उसके बाद आपके जो सब्सिक्वेंट वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो आएगी। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, हमारे पास टाइम 8 मिनट कुछ करके रहता है। सर जी इरफान, सर क्वेश्चन ये कि जो हम सीवी लिखते हैं तो ब्लॉक डालते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जो अपनी क्वालिफिकेशन डालते हैं, ईयर डालते हैं, इंस्टीट्यूशन डालते हैं, वो मतलब ठीक है, इस ठीक होगा क्या? चीज दोबारा बोलिएगा आखिरी सेंटेंस, कौन सी मेथड बेहतर है, क्योंकि कुछ सीवी में मैंने देखा है कि उसमें वहां लिखा है कि ब्लॉक में लिखा हुआ है, ब्लॉक डाले हैं, 3 डाले, ईयर भी लिखा है और क्वालिफिकेशन भी लिखा है और मार्क्स भी लिखे हैं, परसेंटेज भी लिखे हैं और इंस्टीट्यूशन भी लिखा है। आप ये सारी डिटेल्स डालें आइडियली। मैं मेरा टिप ये है, मार्क्स अपने तभी लिखें जब आपके मार्क्स हाई हों,
अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो कोशिश करें मार्क्स नहीं लिखें, आप बाकी चीजें लिख दें, मेन कोर्सेज क्या है। अब आपका एक आप ही के क्वेश्चन से मुझे एक और चीज याद आई है जो मैंने बताई नहीं अभी तक, वो ये है कि शुरू के हिसाब से अर्ली सीवी आपका सेक्शन है पर्सनल, एजुकेशन, फिर वर्क। अगर आपने नोट किया है तो मैंने आपको इस तरतीब में लिखा है, और जो मेरी सीवी आपने देखी उसमें मैंने एजुकेशन बिल्कुल नीचे रख दिया था, क्योंकि मेरा जॉब करियर थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब मैं करियर को तरजीह दूंगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर मैं लेकर आऊंगा यूनिवर्सिटी पे। लेकिन आपके हिसाब से अर्ली स्टेज के हिसाब से आपका पर्सनल आएगा पहले, फिर आगे आपका सेकेंड ब्लॉक जो आपने बात की वो एजुकेशन का ब्लॉक है, उसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखेंगे, मेजर कोर्सेज 3 से 4 मेजर कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस तरह की चीजें जो मेजर आपने कोर्सेज किए हैं वो लिख देंगे, और फिर लिखें और आपने क्या किया यूनिवर्सिटी में, वॉलंटियर किया है, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, एक पश्तून कल्चर आपने डांस ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह की भी चीजें लिखें आप। बिल्कुल मतलब आप एम्प्लॉयर देखना चाहते हैं कि पढ़ाई सबने की है, इस लड़के ने या लड़की ने कुछ एक्स्ट्रा किया है जिसकी तरह जिससे मैं इंप्रेस हो सकता हूँ। तो आप जो भी आपके दिमाग में कुछ बेसिक चीजें रेलेवेंट चीजें आ रही वो आप लिखते हैं उस पे। ओके सर, थैंक यू, यू वेलकम इरफान। और कोई क्वेश्चंस, जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं वो प्लीज पूछ लें। माइक में नहीं पूछ सकते तो चैट में लिखते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन्स आपके चैट में लिखते हैं कि ये चीज मुझे सही से समझ में नहीं आई है, या अगर ये होगा तो मैं क्या करूं। जब तक क्वेश्चन आए तो मैं एक और चीज ये बता दूं, एडिशनल चीज है, सीवी रिलेटेड नहीं है। एडिशनल ये है कि एक चीज होती है कवर लेटर के नाम से, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर लेटर भी मांगते हैं, वो किसी और दिन आप वर्कशॉप कवर लेटर की अलग से करवाते हैं, कवर लेटर और इंटरव्यू। आई थिंक किसी ने अपने आपको अनम्यूट किया है, आपका कोई सवाल है? नाम नहीं इन्होंने लिखा। एक मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आंसर कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर इस वर्कशॉप को रैप अप करते हैं। उम्मीद है कि आप सबके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे सीवीज मौसूल हुई है चैंपियंस की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसको फॉलो करेंगे एटलीस्ट आपकी सीवी सामने आ जाएगी, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सीवी सेशन। आई होप कि बीवाईसी चैंपियंस आप सबको ये इंफॉर्मेटिव लगाओ, इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के हम सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि शुरू में हमने आपकी ओरिएंटेशन चैंपियंस की थी, वो हमने आपको यही कहा था कि आप बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, ताकि ओवरऑल हमारा जो बलूचिस्तान में एक डेवलपमेंट चैलेंज है उसको हम फिल कर सकें। Thank you very much. Have a good evening. Take care. Milte hain inshallah. Allah Hafiz.